दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन के दौरान लोगों को 3 महीने तक फ्री राशन दिया जा रहा है। 10 राज्यों ने इस योजना को 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है लोगों को 3 महीने और फ्री राशन दिया जाए। ऐसे में जरूरी हो गया है कि आप भी नए राशन कार्ड की लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इससे उन्हें अब आने वाले महीने में राशन नहीं दिया जाएगा, और जिन्होंने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था उनका नाम जोड़ दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप इस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पे आ जाने के बाद आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एफएसी खाता सूची। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जिले की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिले की लिस्ट ओपन हो जाने के बाद आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने ज़िले को चूज कर लेना है। जो भी आपका ज़िला है उसको आपको थोड़ा स्क्रॉल करके ढूंढ लेना है, उसके बाद आपको उसे चूज कर लेना है। जब आपका ज़िला मिल जाए आपको उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरा मैनपुरी है तो मैं मैनपुरी पर क्लिक कर लूँगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिल जाएंगे। पहला नगरीय का, दूसरा आपको मिल जाएगा नीचे की ओर ग्रामीण क्षेत्र का। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका ब्लॉक का नेम मिल जाएगा, इसमें आपको अपना ब्लॉक का नेम चूज कर लेना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगरीय वाले लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा, उसमें आपको चूज कर लेना है। हम ग्रामीण में रहते हैं तो अपने ग्रामीण में ब्लॉक को चूज कर लेते हैं। जब आपका ब्लॉक मिल जाए आपको ब्लॉक को चूज कर लेना है। ब्लॉक चूज करने के बाद आपके सामने ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत ढूंढ लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपका ग्राम पंचायत मिल जाएगा। ग्राम पंचायत मिल जाने के बाद आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है, उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर दुकानदार का नाम और राशन कार्ड की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे आपके दुकानदार का नाम के सामने राशन कार्ड की जो संख्या शो हो रही है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप राशन कार्ड की संख्या पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जिला पे आपको जिला का नेम शो हो जाएगा, नेक्स्ट आपको ब्लॉक मिल जाएगा, और ग्राम पंचायत का नेम मिल जाएगा, दुकानदार का नेम मिल जाएगा, और दुकान संख्या और कार्ड की पात्र गृहस्थी मिल जाएगी। नीचे की ओर आप स्क्रॉल डाउन कर यहाँ पे आपको राशन कार्ड की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। अगर आपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो भी आपका इसमें नाम मिल जाएगा, और अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है तो आपका इस लिस्ट में से नाम हटा दिया गया होगा और आने वाले टाइम में आपको राशन नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पहले में आपको क्रम संख्या मिल जाएगी, दूसरे ऑप्शन में आपको राशन कार्ड की संख्या, उसके बाद धारक का नाम मिल जाएगा आपको यहाँ पे, उसके बाद पिता या पति का नाम मिल जाएगा, उसके बाद श्रमिक का माता का नाम, उसके बाद आपके घर में कुल यूनिट कितने को राशन मिलता है वो मिल जाएगा, और राशन कार्ड किस दिन जारी किया गया था वो तिथि आपको नीचे मिल जाएगी। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसमें आपका नाम मिल जाएगा। इस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना होगा, आप इसमें अपना नाम ढूंढेंगे आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस तरीके से आप लिस्ट निकाल सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।